हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि वेब सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, जो कि आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी वीडियो पर मेरे को एक कमेंट आ रहा था किसी सब्सक्राइबर का कि सर हमें प्लीज़ वेब एप्लीकेशन के बारे में बताओ, वेब एप्लीकेशन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। सो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तीन डेफिनेशन ली हैं वेब एप्लीकेशन की, जिससे मैं थोड़ा उसको बताने की कोशिश करूँगा आप सबको। अगर वहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए आप ईजिली समझ आओगे कि वेब एप्लीकेशन एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेफिनेशन पे चलता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन है ए वेब एप्लीकेशन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूटिलाइजेज द वेब ब्राउजर एंड वेब टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म द टास्क ओवर द इंटरनेट। दैट मीन्स ये जो वेब एप्लीकेशन है एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए वेब ब्राउजर और वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है इंटरनेट के ऊपर। यानी वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की ज़रूरत होती है और एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है और हम सिंपली इसको यूज़र इंटरफेस भी बोल सकते हैं जो कि किसी ब्राउजर पे रन होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फेसबुक, आपने देखा होगा कि इनको एक्सेस करने के लिए सारी वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड डेफिनेशन पे चलते हैं, वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर। यानी वेब एप्लीकेशंस एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि रिमोट किसी सर्वर पे स्टोर होती है और उसको एक्सेस करने के लिए हम अपने वेब ब्राउजर और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ओके, इसके लिए एक छोटा सा देखते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है, सॉरी वेब एप्लीकेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्या होती हैं और ये कैसे वेब एप्लीकेशंस डिफरेंट है। बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि सिर्फ एक सिस्टम के लिए बनाई गई होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ तो मैंने लिखा है पेंट और डॉक्यूमेंट। यानी आप पेंट जिस भी पर्पज़ के लिए बनाए गए आप उसी पर्पज़ के लिए अपने कंप्यूटर को उसको यूज़ करते हैं। आपका कंप्यूटर है तो उस पेंट को या डॉक्यूमेंट या सपोज आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो उसको सिर्फ आप यूज़ करोगे, दुनिया का कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर सकता, बशर्ते उसने टेलनेट जैसे टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके भी टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम रिमोटली किसी दूसरे के कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट अगर रिमोटली आपका कंप्यूटर किसी भी वे से एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आपके कैलकुलेटर को सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, राइट। तो ये होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यानी एक कंप्यूटर के लिए एक एप्लीकेशन सिर्फ एक ही कंप्यूटर के लिए। पर जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस की तो वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसको दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है अपना वेब ब्राउजर यूज़ करके, अपना इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करके। फॉर एग्जांपल ये कोई क्लाइंट है, क्लाइंट को हम ले सकते हैं एक वेब ब्राउज़र क्योंकि वेब ब्राउज़र ही है जो क्लाइंट की तरह काम करता है। हमें फेसबुक ओपन करना है, जीमेल ओपन करना है या फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यूज़ करना है तो हम वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चार अलग अलग यूज़र हैं जो कि फ्लिपकार्ट को एक्सेस कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल है वेब एप्लीकेशंस का। सो ये दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो इसको ये चारों ही क्लाइंट या चारों ही वेब ब्राउजर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो वेब एप्लीकेशन बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो किसी सर्वर पे रन होती है और दुनिया का कोई भी बंदा उसे
असेस कर सकता है यूजिंग देयर इंटरनेट कनेक्शन एंड द वेब ब्राउजर, राइट। तो थोड़ा हम और आगे चलते हैं कि वेब एप्लीकेशंस होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, कैसे ये काम करती है। तो इसके आगे मैंने लिखा है द वेब एप्लीकेशन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट एंड द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, यानी कि जो वेब एप्लीकेशंस है दो स्क्रिप्ट को यूज करती है, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट और दूसरी होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं आपको कि जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है उसका काम होता है, आप सपोज कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, किसी स्टूडेंट की डिटेल भर रहे हैं, तो उस डिटेल को कैसे डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है या कोई भी डिटेल जो ऑलरेडी स्टोर है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाटाबेस से निकालनी है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या उसको रिट्रीव करने के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो कि डाटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको शो करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। हम सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसको नहीं देख सकते, जो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट है उसको हम देख सकते हैं। क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट का एग्जांपल देखें तो HTML और जावास्क्रिप्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे चलिए थोड़ा सा मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको, द यूज ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू हैंडल द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है वो आपकी स्टोरेज को हैंडल करेगी, यानी डाटा को स्टोर भी करेगी और जो डाटा उसके अंदर स्टोर है उसको बाहर भी निकालेगी। और इसके एग्जांपल्स की बात करें हम तो ASP है और PHP है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, यानी यूज़र को कोई भी इंफॉर्मेशन किस वे से प्रेजेंट करनी है वो सारा काम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का होता है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म में हमने देखा होगा कि टेक्स्ट है, लेबल है, फिर बटन है, एडिट, सबमिट, डिलीट एक्सेट्रा, वो सारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और आप देखना चाहते हो कि वो बटन किस तरह से आपको शो हो रहा है तो राइट क्लिक करके व्यू एज अ सोर्स कोड करेंगे तो पूरा HTML कोड आपको दिख जाएगा। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपली HTML एंड जावास्क्रिप्ट है, ये छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लाइंट है आपका ब्राउजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है इंटरनेट के जरिए वेब सर्वर को। जब वेब सर्वर के पास क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके पास एक स्टैटिक डाटा स्टोर होता है, उसके पास वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अगर उसके पास कोई स्टैटिक रिक्वेस्ट आई हो तो स्टैटिक रिक्वेस्ट का मतलब है यूज़र को मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें कि किसी भी तरह की चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल कोई ईमेल होगी, PDF फाइल या और कोई रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जस्ट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और वेब सर्वर उस फाइल को या ईमेल को स्टैटिक डाटा स्टोर से उठा के दिखाएगा क्लाइंट के लिए। अगर उसको डायनेमिकली कोई डाटा चाहिए तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है एप्लीकेशन सर्वर पे। एप्लीकेशन सर्वर के पास रहता है एक वेब कंटेनर और दूसरी अदर सर्विसेज होती हैं, वहाँ से वो डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है और उन डायनेमिक रिस्पॉन्स को वो वेब सर्वर पर सेंड करता है और वेब सर्वर से जो भी फाइल या डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो सीधा चला जाता है क्लाइंट के पास, ठीक है। सो वेब सर्वर का सिंपली काम होता है यूजर से या क्लाइंट से आई हुई रिक्वेस्ट को हैंडल करना, यानी वो डिसाइड करता है कि वेब सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आई है यूज़र से तो वो एप्लीकेशन सर्वर को सेंड करनी है, डाटा भी सर्वर को सेंड करनी है या फिर सिंपली स्टैटिक डाटा स्टोर को सेंड करनी है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं वर्किंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस की। सो वेब एप्लीकेशंस आर यूजली कोडेड इन ब्राउजर सपोर्टेड लैंग्वेज सच एज HTML एंड जावास्क्रिप्ट as they are rely on the browser to render the program executable। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं वो हमेशा HTML या JavaScript लैंग्वेज में ही बनाई जाती है, क्योंकि ये दो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छे ब्राउजर को सपोर्ट करती है। और जो भी कोडिंग आपने HTML में की है, जैसे आपने कोई लेबल लगाया है जैसे स्टूडेंट का, सिंपली फॉर्म जनरेट करना हो आपका, रोल नंबर, नेम, क्लास और नीचे एडिट
सबमिट या डिलीट का बटन लगाना हो, तो वो सारे ऑप्शंस दिखाने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए जो भी वेब एप्लीकेशंस है वो ब्राउज़र स्पोकन लैंग्वेज में ही लिखनी पड़ती हैं, ताकि उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर सके, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सके, या जो भी आउटपुट हम दिखाना चाहते हैं वो सारा ब्राउज़र में शो होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशंस है ये दो टाइप की हो सकती है, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। डायनेमिक में क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्ड जो है, मतलब आपको डायनेमिक कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टूडेंट का रिजल्ट देखते हैं आपको किसी क्लास का ऑनलाइन, तो पहले आप फर्स्ट रोल नंबर डालोगे, फिर 7, फिर 9, फिर 25, तो हर बार आपको अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। अलग रिजल्ट के लिए क्या होगा कि जैसे ही आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट वेब सर्वर को जाएगी, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए। अगर सिंपली आपको जैसे कोई कॉलेज है वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज हैं, ये कोर्स यहाँ पे दिखाई देते, तो वो सारा जो है स्टैटिक डाटा होता है, ठीक है। तो उस केस में वेब सर्वर सिंपली स्टैटिक डाटा स्टोर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और स्टैटिक कंटेंट को क्लाइंट एंड, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अब ये जो वेब एप्लीकेशन होती हैं ये बेसिकली तीन चीज़ों की डिमांड करती है, एक वेब सर्वर की, एक एप्लीकेशन सर्वर और एक डाटाबेस की। वेब सर्वर का सिंपली काम होता है जितनी भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई होती है उनको मैनेज करना। दैट मीन्स जो भी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास आती है वो डिसाइड करता है कि इसको एप्लीकेशन सर्वर को सेंड करना है स्टैटिक डाटा स्टोर को, या फिर कोई डाटा स्टोर करना है तो वो डाटाबेस के अंदर उसको स्टोर कर देता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सर्वर, जिसका काम होता है जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको परफॉर्म करना और रिजल्ट को फिर से वेब सर्वर के ऊपर दिखाता है। और लास्टली डाटाबेस, इसका सिंपली काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ये छोटी सी डायग्राम है जिससे आपको क्लियर हो वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर जो है कैसे काम करता है। यहाँ पे ये वेब क्लाइंट है, यानी ये आपका ब्राउजर है। यहाँ से सपोज आपको कोई कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे अबाउट सेक्शन है या कोई कोर्सेज है कि कौन कौन से कोर्स जो है ये दिखाते हैं, तो वेब क्लाइंट से सबसे पहले पहुंच जाएगी वेब सर्वर पे, और ये सिंपली एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है तो ये स्टैटिक डाटा स्टोर के पास जाएगी, ओके। अब सपोज वेब क्लाइंट क्वेरी करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि फीस में भी रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे ओबीसी के लिए इतनी फीस, आईआरडीपी के लिए इतनी, जनरल कैटेगरी के लिए इतनी फीस रहेगी, ठीक है। सो ये यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो यहाँ वेब सर्वर से रिक्वेस्ट जारी एप्लीकेशन सर्वर पे, और एप्लीकेशन सर्वर अपने तरीके से उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा और फिर से रिस्पॉन्ड करेगा वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर से वो रिजल्ट शो होगा आपके ब्राउजर पे, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है। सबसे पहले जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी जाते हैं किसी भी सर्वर पे, वो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा भेजी जाती है वेब ब्राउजर पे, ठीक है। सेकेंडली वेब सर्वर क्या करता है, उस मैसेज को सेंड करेगा स्टैटिक डाटा स्टोर पे थ्रू स्टैटिक डाटा रिक्वेस्ट। थर्ड नंबर पे क्या हुआ, अगर उसको स्टैटिक डाटा चाहिए तो सिंपली स्टैटिक डाटा स्टोर से डाटा आ जाएगा वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर वेब ब्राउजर को सेंड कर देगा। अगर उसको चाहिए डायनेमिक डाटा तो वो एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, और एप्लीकेशन सर्वर जो है आगे उसकी जो भी कैलकुलेशंस वगैरह बनती है या प्रोसेसिंग बनती है वो डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, और उस रिजल्ट को फिर से या इंफॉर्मेशन को कहाँ सेंड किया जाता है, वेब सर्वर पे। वेब सर्वर से वो रिक्वेस्ट थ्रू HTTP की रिस्पॉन्स चली जाती है वेब ब्राउजर या वेब क्लाइंट। इस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो फाइनली यूज़र के पास पहुँच जाता है, ठीक है। सो यही थोड़ा सा तरीका था कि कैसे वेब एप्लीकेशन जो है वो काम करती है और वेब एप्लीकेशन क्या होती है।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि किसी सर्वर पे स्टोर होती हैं, रिमोट सर्वर पे, जिनको दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकते हैं यूज इंटरनेट और वेब ब्राउजर। और इसको चलाने के लिए बेसिकली तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डाटा बेस की। वेब सर्वर डिसाइड करेगा कि डाटा किस तरह से, मतलब किस टाइप की रिक्वेस्ट आई है, स्टैटिक डाटा के लिए आई है या डायनेमिक डाटा के लिए। एप्लीकेशन सर्वर हमेशा डायनेमिक कंटेंट को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा बेस का यूज़ किया जाता है डाटा को अच्छे से स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। जैसे रोल नंबर की जगह रोल नंबर आना चाहिए, नेम की जगह नेम और क्लास की जगह क्लास स्टोर होना चाहिए। और वेब सर्वर बेसिकली दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बने हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्ट और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में जस्ट ऐसा दिखाया जाता है कि किस तरह से यूज़र इंटरफेस को बनाया जाता है, बनाया जा सकता है जिससे कि यूज़र उसको इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट हो सके। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है उसका काम होता है डाटा बेस के साथ कम्युनिकेट करना, डाटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना। ओके फ्रेंड, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।